Friends, today's NRI Summai program from Los Angeles brought to you commercial free by listeners like you. Your generous donations make possible for us to stay commercial free. And today's show is pre-recorded. If you have a question for the guest, please send an email to nrisummai@gmail.com. We will follow up with the guest and find the answer for you. Thank you for your support. Welcome to our show. Thank you so much. आप हमसे बात करने के लिए आज आपका time निकाले. कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज ये पूरा जो अन्नदान कर रहे हैं आप, इसकी प्रेरणा कहाँ से आई आपको? पहले तो मैं आप सब लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ जो एक साधारण से आदमी को इतनी इज्जत दिए. थैंक यू. एक नॉर्मल मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाला लड़का हूँ, आदमी हूँ. आप लोगों ने इतनी इज्जत दी उसके लिए धन्यवाद. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. ये इसकी प्रेरणा जब मैडम, मैंने काफी स्ट्रगल किया है लाइफ में. जब मैं 4 साल का था तब मेरे डैड फादर की डेथ हो गई थी. अच्छा. तब से मेरी माँ ने मुझे, हम भाई, मैं 4 भाई 1 बहन है मेरी, हम सबको बड़े तकलीफों से पाला है जी. और उस बचपन से मुझे भूख क्या होती है, पेट की आग क्या होती है अच्छे से पता है जी. और हमेशा मेरी मदर ने हमेशा ये कहा है मुझसे कि दुआ बहुत इम्पोर्टेंट होती है. इंसान जिंदगी में पैसा कमा लेता है जी. तो बचपन से ही एक आदत है, हेल्पिंग नेचर है. लास्ट 3 इयर्स बैक मैं जबलपुरा रेलवे स्टेशन जहाँ मेरा प्रोग्राम होता है वहां से मैं आ रहा था क्योंकि अच्छा. रेलवे ट्रैक है, गाड़ी इस पार नहीं आ सकती थी तो इसलिए मैं उस पार गाड़ी रखकर कुछ काम था तो इस पार आ रहा था. तो तभी मैंने देखा एक औरत वहां पे, उसका नाम नागम्मा कुछ नाम था वो लेडी का, ओल्ड लेडी थी. उसके दोनों पैर कटे हुए थे जी. तो मैंने कहा, वो दर्द से तड़प रही थी तो उसके साथ में और एक बेगर था, उससे मैंने पूछा कि ये क्या हुआ है, क्यों रो रही है औरत? तो कहा कि सब इसका लड़का नहीं है 3 रोज से और ये 3 रोज से कुछ खाई नहीं है जी. मैंने कहा, अरे यार आप भी रोड पे रहते हो, वो भी फुटपाथ पे रहती हैं, कम से कम उनकी हेल्प तो कर दो. जी, वो कहने जी. लगा, साहब हमें ही खाने को नहीं रहता तो इनको कहाँ से करेंगे. हाँ, हाँ. तभी मैंने होटल से खाना लाया जी. होटल से खाना ला के उस औरत को अपने हाथ से खिला दिया जी. उस जब ही मेरे दिल में, मेरे मन में ख्याल आया कि यार कुछ करना है तो बस फूड के ऊपर काम करेंगे जी. तो वेरी नेक्स्ट डे मैंने एक टेंट लगाया पटरियों के बाजू में, जहाँ रेलवे ट्रैक है उसके बाजू में एक टेंट लगाया, वहां पे एक बैनर बना के लगा दिया, फ्री फूड फॉर पुअर एंड होमलेस पीपल जी. ओके. डे फर्स्ट. तो वहां से हमारा खाने का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ. 40 मेंबर 30 मेंबर जो भूखा है वो आके खा लेता था जी. तो हाँ. इसके लिए मेरी वाइफ ताजी साखी, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. 2 महीने 2 मंथ उसने डेली मेरे घर पे कुकिंग की. घर पे वो कुकिंग करती थी, मैं लेके जाके वहां पर फ्लाईओवर के पास वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करता था. 2 मंथ ऐसे ही चला. उसके बाद मैंने वहीं पकाना स्टार्ट कर दिया जी. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 970 डेज हो रहे हैं प्रोग्राम स्टार्ट हुए, एक दिन नहीं रुका अभी तक. वेरी गुड. बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है. आई मीन, सोचना एक बात है, उसको इम्प्लीमेंट आपने करके दिखाया, वो बहुत बड़ी बात है. तो डेफिनेटली आपने जो कहा कि आपकी वाइफ का सपोर्ट डेफिनेटली है, तो जैसे आपने बताया कि आपका फैमिली का बैकग्राउंड है, तो इसका मोटिवेशन भी मुझे समझ में आ गया. आपने वो देखे है दिन, इसीलिए आपको वो जी, पता जी, जी. है और आप आज वो आपके हिसाब से, आपके जो भी आप कर सकते हैं आप कर रहे हैं. तो ये बताइए, ये करना बहुत मुश्किल है डेफिनेटली, क्योंकि खाना खिलाना वगैरह इसका आपको फंड, कुछ तरह का फंडिंग आता है, कोई आपको हेल्प करते हैं फाइनेंशियली? हाँ, बता दो. बहुत मुश्किल होता है रोज प्रोग्राम करना. 80-90 मेंबर्स 100 मेंबर्स एक जगह जब जमा होते हैं जी. तो उनको मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है. हाँ, क्योंकि हाँ. वहाँ पर कोई एक आधा, वहाँ पे कोई मेंटली वो रहता है जी, कोई, हाँ. एक अलग अलग स्टोरी रहती है. लोग को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है.
और जब्त बोलते हैं ना, आप अपने गुस्से को काबू में करना, जी वो असल आपका इम्तिहान होता है वहां पर। तो जी जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही बर्दाश्त करने की आदत है, जी और हमेशा यही सोचते हैं कि जो होगा अल्लाह करेगा, अच्छा करेगा। जब जी मैंने स्टार्ट किया था, ये नहीं सोचा कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे पास तो हाँ इतने पैसे हैं नहीं, मैं कैसे करूँगा। हाँ बट दिल हाँ में आया, अल्लाह दिल में डाला कि भाई स्टार्ट करो, जो जी काम ऊपर वाले को जिससे लेना ले होता है वो ले लेता है, हाँ ऑटोमेटिक हाँ जो है ना रास्ते बना देता है वो। हाँ तो हाँ ऐसे ही हाँ प्रोग्राम मेरा स्टार्ट हुआ। हाँ एग्जैक्टली अच्छा याद है मुझे, जब मेरा प्रोग्राम का 77 डेज था, हाँ तो उस टाइम पे जो है मेरे पास मॉर्निंग में 10 o'clock को एक पैसा नहीं था प्रोग्राम करने के लिए, पैसे ओ बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि हाँ मैं जो है जो है आज मैं बिलीव करने वाला हूँ, कल अल्लाह जी है, कल अल्लाह हाँ देख हाँ लेगा, जो हाँ कमाना है आज कमाओ, आज खर्चा करो, कल अल्लाह हाँ देगा, वो पैदा किया हाँ है तो वो रिस्क देगा, ये हाँ मेरा हाँ ईमान है, ये ऐसे मैं सोचता हूँ। तो उस दिन 77 डेज अच्छा याद है, तो उस हाँ दिन जो है तो प्रोग्राम के लिए कुछ नहीं था, तो जी मैं मेरा कारोबार भी बिजनेस भी, मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का बिजनेस करता हूँ, जी मेरे पास 7-8 वर्कर्स काम करते हैं, तो शॉप पे भी काम डल था, उस बारिश का टाइम था, हाँ काम नहीं होता है उस टाइम पे, बैठा था कि अब वो कुक आया कि भाई अजहर भाई सौदा होना है, राइस वगैरह होना है, मैं बोला तुम जाओ यार मैं भी जा रहा हूँ। हाँ अभी सोचा तो मेरा एकदम मेरा नजर पड़ी मेरे न्यूज़पेपर्स पे, मैं हाँ हाँ ऑफिस में मेरे शॉप पे न्यूज़पेपर्स आते हैं हाँ वो, और थोड़ा मेरा मटेरियल होता है जो जिससे मैं फॉल सेलिंग करता हूँ, चैनल वगैरह उसके कट पीसेस थोड़े से थे, तो मैंने मेरे लड़के को कहा कि भाई ये पूरे लो और जाओ हाँ वहां पे स्क्रैप शॉप पे डाल दो, कबाड़ी की दुकान पे। हाँ तो वो कबाड़ी की दुकान पे डाला, वो आए उस दिन, आए मुझे 1300 रुपीज आए उसके पूरा स्क्रैप के। तो वाह अच्छा मैंने कहा चलो भाई जाओ पहले सौदा लाया, वहां पे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, तो उस दिन तो हो गया। अब नेक्स्ट डे हाँ था, नेक्स्ट डे शाम तक कुछ नहीं हुआ, जब मॉर्निंग मैं फिर अपना शॉप खोला तो एक हाँ मेरा कस्टमर आया, अजहर भाई आपको काम स्टार्ट करना है, वेरी अर्जेंट, कल से करना है, ये लीजिए आप 20,000 रुपीज एडवांस लीजिए, आप कल काम करना है कैसे भी। अरे मैंने कहा ये तो अल्लाह ये तो की एक देन है, ऊपर रास्ता वाले की देन हाँ है, एक रास्ता बना। जी तो ऐसे ही रास्ता चलता गया, कभी कोई कोई देखा, एक 500 रुपए दे दिया कोई, ऐसा चलता जी रहा एक साल भर तक, सवा सा एक साल 15-16 मंथ तक बहुत प्रॉब्लम हुई। जी उसके बाद जो है तो मेरे डेली फेसबुक पे अपडेट्स आते हैं, कभी हाँ कोई फेसबुक फ्रेंड, कभी कोई कुछ डोनेट कर देता है, अगर जी भाई मैंने 5,000 भिजाए हैं, मैंने 2,000 भिजाए हैं, तो एक जी लास्ट 1.5 ईयर से जो है सो पूरा FB फ्रेंड्स के जरिए काम चल रहा है, जी उतनी जी प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। मेरे एक फ्रेंड है जो लास्ट 13 मंथ से, 13-14 मंथ से जो US में रहते हैं, तो वो चावल प्रोवाइड करते हैं, राइस, सिर्फ राइस वो प्रोवाइड करते हैं, ओके बाकी जी का जो ऑयल होता है, दाल जी होता है, ये जी सब कोई ना कोई कर देता है, अगर कोई जी नहीं करा तो आई एम रेडी, जो मेरे पास होता है वो कर देता हूँ। आई मीन 970 डेज, इतने दिन बिना रुके कुछ ना कुछ आपने निकाला. आई मीन हैट्स ऑफ आपको. आप तो एक माध्यम बन गए. बस शायद बहुत सारे लोग आते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए. तो जैसे आपने अभी बताया कि आपका कोई NRI दोस्त है जो राइस प्रोवाइड करते जी हैं, जी जी क्या ऐसे भी हुआ है जो मनी कंट्रीब्यूट करते हैं और आप जाके सौदे वगैरह लेके आते हैं? हाँ और हाँ अगर हाँ हाँ अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है और कैसे आते हैं ये कंट्रीब्यूशंस, आप कैसे हैंडल करते हैं पैसे वगैरह अगर कुछ आए तो? अभी जब पैसे अगर कोई देता है जी तो जैसे उसके लिए मैं जो दाल होती है जी वो सामान परचेस कर लेता हूँ, कुक है, एक कुक है जिसका सैलरी 6,900 रुपीज पर मंथ उसका सैलरी होता है, जी वो सैलरी उसको वो सैलरी निकलती है, जी और बाकी का जो तो चिल्लर सामान आता है, अगर उसमें कुछ बचता है, अगर जी कुछ अमाउंट रहता है, तो जी ऐसे है कि मेरे मेरे शॉप पे जो तो कोई ना कोई जरूरतमंद कोई आ जाता है, भाई हमारे स्कूल की फीस है बच्चे की, तो हाँ मैं पूरा उसको देखता हूँ, हाँ ये जेन्युइन है नहीं है, हाँ हाँ मैं हाँ पर्सनली जाकर देखता हूँ, ऐसे कुछ मेरे पास पैसे बचते हैं तो ऐसे हाँ कामों में मैं यूज कर लेता हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे. तो
लगभग अभी हमारे सौदे वगैरह तो रोज के रोज वो बढ़ते रहते हैं, पर मुझे सडनली एक क्वेश्चन आया कि आपका एक दिन का कितना होता है खर्चा, ये खाना वगैरह एक दिन सौदे का का? खर्चा पूरा पूरा टोटल मिला के एक दिन का 1400 to 1500 रुपीज खर्चा होता है, ओके ओके जिसमें जो और सो 120 मेंबर्स के लिए खाना बनता है। जी एक 80-90 मेंबर्स वहां पे खाते हैं बैठकर, जी और बस आसपास के बस लोग रहते हैं जो आके जी पार्सल लेके जाते हैं। लेडीज लोग वहां बैठ के जी खा नहीं सकते, जो जो खाने के जी लिए शर्म महसूस करते हैं हाँ वो लोग हाँ आते हैं, तो उनको भी देते हैं। बस वहां पे जो आता है उसको जो बोले वो मिल जाता है, समझे, खाने के जी लिए कोई जी क्वेश्चन नहीं। तो एक ही जी दस्तर पे बैठ के खाते हैं, एक ही टाइम पे जी खाते हैं सब। तो कभी ऐसा हुआ है अजहर कि खाना कम पड़ा हो, और अगर कम पड़ा हो आपने उस दिन कैसा हैंडल किया वो सिचुएशन को, क्योंकि वहां पे लोग हैं आप ये सवाल बहुत अच्छा किया आपने। जी ऐसे हुआ है जी काफी, 10-15 टाइम्स ऐसे हुआ है। जब जी खाना खत्म हो जाता है ऐसे लोग आते हैं, एकदम हाँ डिजेबल पर्सन आ जाता है या कोई भी हाँ ओल्ड एज पर्सन आ जाता है, हाँ तो हाँ वैसे टाइम पे मैंने कोई 10 और 15 टाइम्स होटल से राइस प्रोवाइड किया है, होटल से मंगवाया है मैंने राइस। मैं जी खुद जाकर, होटल पास में होटल है हमारे एरिया में, जी जी पहलवान का होटल बोल के बहुत फेमस होटल है वो, तो जी वहां से कभी मंगवा लेता हूँ या कभी उस साइड से होटल से मंगवा कर दे देता हूँ राइस। अच्छा अगर एक दो आदमी रहे, राइस का हाँ नहीं हो सका, तो सामने एक माउस वाला बनाना का बंडी ठहरा रहता है, अच्छा वो बनाना वहां से बनाना लेकर दे देता हूँ, यानी तो जी किराना शॉप पे से बिस्किट पैकेट्स, वाटर पैकेट्स, ये वो जी आएगा तो खाली तो नहीं जाएगा, कुछ खाली तो नहीं कुछ उसका जाएंगे। पेट में नहीं जाएगा, ये बात पक्की है, खाली तो नहीं हाँ, जाएगा। खाली नहीं जाएंगे। और ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होगा शायद कि कितने लोग आएंगे, ऐसा कुछ फिक्स नंबर नहीं होगा शायद। हाँ, फिक्स नंबर तो नहीं होगा। जी एक्चुअल थर्सडे के दिन लोग थोड़े कम होते हैं, थर्सडे के दिन इसलिए कम होते हैं, हमारे पास में यहाँ पर साईं बाबा मंदिर है, जी वहाँ जी पर वो मंदिर में एवरी थर्सडे जो सो वहाँ पे अन्नदानम होता है, जी ओके तो उस टाइम पे जो सो कुछ लोग कम आते हैं जी वीक, बाकी का वीक में जो सो आपको 80-90 मेंबर्स आते हैं। अच्छा तो अगर अब अभी आपने कहा कि थर्सडे के दिन थोड़े लोग कम आते हैं, तो डेफिनेटली जी जी थोड़ा एक्स्ट्रा फूड खाना बचता होगा, उसका आप क्या करते हैं, क्योंकि ये रोज का रोज अब आप बनवाते हैं शायद, तो अगले दिन तक हाँ, डेली बनता है, जी नहीं रख अगले दिन सकते। तक आप रख नहीं रख सकते, खराब हो जाएगा शायद, तो अगर ऐसा कुछ हाँ, एक्स्ट्रा खाना रह गया तो तब आप क्या करते हैं? एक तो एक्स्ट्रा खाना जब होता है तो जी मेरा एक्चुअली टाइम 1 to 2 है, एक 1 आवर वहाँ पे लंच का टाइमिंग है, तो जी सबको पता है 1 to 2 वहां रहते हैं, तो जिस जी दिन खाना बच जाता है मैं 3 o'clock तक 1 घंटा एक्स्ट्रा वहां रुक जाता हूँ, अच्छा तो वो खत्म हो जाता है। अगर उसके बाद जी भी अगर नहीं खत्म हुआ तो जी एक ऑर्फनेज होम है यतीम जी खाना, जी वहां पे मैं खाना अपने हाथ से लेकर जाकर दे देता हूँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अब तक जो हुआ है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो अब अगला आप क्या करना चाहते हैं, इसको ऑलरेडी कॉन्टिन्यू मैं तक दो आपको? जी जी, इसके अलावा मैं 2 स्टेप ले चुका हूँ मैम, आपकी जी जानकारी के लिए बता दूँ, जी मैं एक क्लिनिक जरूर स्टार्ट किया हूँ, जी, हमने सुना है, हमने एक देखा है एक आपके वेबसाइट हाँ पे। लास्ट 6 मंथ हो रहा है, क्लिनिक स्टार्ट किया जी हूँ, जी और आपकी दुआ से, आप सबकी दुआ से कल यस्टरडे जी मैंने फ्री ट्यूशन फॉर नीडी स्टूडेंट्स, उर्दू इंग्लिश तेलुगु मीडियम स्टूडेंट जी के लिए, 10th क्लास स्टूडेंट के लिए इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया हूँ, कल ही उसका जी ओपनिंग हुआ है। तो इन फ्यूचर मेरा ड्रीम एक जी ओल्ड एज होम और एक ऑर्फनेज होम, ऑर्फनेज होम और एक ओल्ड एज होम डालना मेरा मकसद, मेरा ख्वाहिश है, जी जहाँ पर जी मैं जितने भी बुजुर्ग रहेंगे मैं जी अपने फादर मदर की तरह ट्रीट करूंगा, और जी जब तक मैं खुद अपने हाथ से काम नहीं करता जी मुझे भरोसा यानी कि यकीन नहीं होता कि हाँ काम हुआ हाँ है, मैं हाँ सेटिस्फाई हाँ नहीं होता। हाँ हर काम में मैं खुद पर्सनली इन्वॉल्व होता हूँ, और वन मैन आर्मी हूँ मैं किसी पे जी डिपेंड नहीं हूँ, जी सिर्फ ऊपर वाले के अलावा दुनिया में किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। कभी ये नहीं सोचा कि कोई वो नहीं आएगा तो क्या होगा, वो नहीं कैसा करेगा तो होगा? कोई कोई हाँ मसला नहीं,
उसके लिए मुझे सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ा अभी तक। जी जब भी सोचता हूँ बस ये कि बस अल्लाह काम ले रहा है, बस काम करना है, ये नहीं देखना है वो कौन है, वो जी किस मजहब से ताल्लुक रखता है, जी क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमा चुका है तुम जी जमीन वालों पर रहम करो, यानी कि तुम जी जमीन जी वालों पे रहम करो, मैं तुम पे रहम करूंगा। जी तो जी अल्लाह ताला ये नहीं कहा कि तुम फुलां पे ही करो, तुम इन लोगों जी पे ही करो, ऐसे नहीं है। हाँ हाँ अल्लाह ने कहा है हाँ कि आप लोग बंदे हैं तो सब उसके हैं, जी ये मत देखो वो किस जाति का है, वो किस फिरके का है, वो किस मसलक का है, बस उसकी मदद करो। जब जरूर अगर आप किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा, ये बात पक्की है। जी इसको मैंने 1000 टाइम देखा है मेरे देखा साथ है। होते हुए, मैंने देखा है, मैं अपनी लाइफ में, मैंने बताया कि आपको 20,000 रुपीज जब पार्टी एडवांस देके गई थी, मौजिजा एक है कि अल्लाह के ताला का गिफ्ट है, तू काम जी करता जा, मैं हूँ तेरे पीछे। तो अभी आपने कहा आप एक वन मैन आर्मी हो, बट फिर भी आपके कोई अजीज दोस्त वगैरह जो है, जो ये लंच टाइम में वगैरह और आपके एफबी फेसबुक पेज वगैरह में ये बात को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको पब्लिसिटी दे रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं, आपके ऐसे कोई जी अजीज जी दोस्त या एक टीम सोचिए कोई है जो आपके लिए ये काम करता हो? मेरे मेरे दो तीन दोस्त हैं। मैं एक्चुअली जी मैं मुझे मैं कोई बात छुपाता नहीं हूँ। एक तो जी मैं जहाँ पर कोई लेटर लिखना होता है या कोई मैटर लिखना होता है इंग्लिश में, तो हाँ मैं वहाँ पर नील हूँ। जी मैं सिर्फ 5th क्लास तक पढ़ा हूँ, वो भी उर्दू मीडियम जी से। जी तो जब भी ऐसा कोई ऑफिशियल काम के लिए जरूरत पड़ती है तो हाँ मेरे दो तीन दोस्त हैं, मैं उनको जी कॉल करता हूँ। जी एक मंसूर मिनाज बोलकर हैं हाँ और एक मोहम्मद इमरान, जी सैयद नूर मोहम्मद और सैयद रफीउल्ला, ये 4-5 लोग हैं जिससे जी मैं कोई भी ऑफिशियल काम होता है तो ले लेता हूँ। अच्छा अब कभी कोई दोस्त आ गया प्रोग्राम जी में सर्व करने के लिए मेरे साथ जी तो आ जाता है। एक्चुअली जी लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता है जी कि मेरे वैसी जी सोच, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जी बट मैं ये बोलता हूँ, अब लोगों को अपने काम भी होते हैं। जी जी हाँ मैंने हाँ अपने अपने लाइफ का टाइम थोड़ा सा निकाल दिया इसके लिए, मैं ये हाँ टाइम पे हाँ यही काम करूंगा, हाँ हाँ तो ये ये पब्लिक के आपने लिए मेरा आधा दिन है पब्लिक के लिए। हाँ अब हाँ सब हर कोई उतना टाइम एक्सपेंड करना जरूरी नहीं होता, इसीलिए कोई कंटिन्यूअसली साथ नहीं दे पाता है, बट बिल्कुल जो भी मेरे साथ जितना भी देते हैं, हैट्स ऑफ, सलाम करता हूँ उनको मैं। जी बराबर। आपने कमिटमेंट दिखाई, हाँ जरूरी ये नहीं है कि आपके वही साथी रोज आपका साथ दे, पर डेफिनेटली। तो एग्जैक्टली ये खाना सर्व आप कैसे करते हैं? आपके कुछ इनको प्लास्टिक प्लेट में खिलाना होता है, आप उनका कुछ बफे सिस्टम होता है कि आप जाके हर हर एक के प्लेट में परोसते हो खाना, कैसा होता है ये? आपको एक सिस्टमैटिक लाइन या ऐसा कुछ मेंटेन करना होगा शायद, क्योंकि आप अकेले हो, रोज तो इतने लोग आएंगे नहीं आपको हेल्प करने के लिए, तो आप कैसे ये हैंडल एग्जैक्टली कर पाते हो? स्टार्टिंग में मैं पेपर प्लेट यूज करता था, जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था तब पेपर प्लेट जी यूज करता था, तो उसका जी उसके लिए रोज थोड़ा कॉस्ट ज्यादा पड़ जा रहा था, तो जी बजट के बाहर हो रहा था। तो हाँ मैंने 4-5 मंथ तो वैसे ही पेपर प्लेट यूज किया, उसके बाद मैंने फाइबर प्लेट यूज करना चालू कर दिया। फाइबर प्लेट होते हैं जी वो प्लेट में, तो वहां पे एक वहां पे प्लेट रखे होते हैं, जी रोज जो खाने को जी आते हैं वो जी प्लेट लेते हैं, अपना प्लेट लेते हैं, धो वहां पे वॉश करते हैं, बैठ बैठ जाते हैं पूरे एक साथ लाइन से अच्छा दोनों अच्छा साइड। उसके बाद मैं अच्छा अपने हाथ से एक एक आदमी को सर्व करता हूँ, सबको परोसते हैं आप, हाँ सबको परोसता हूँ, मैं ही परोसता हूँ। दिल बहुत खुश होगा, आपके आवाज में सुनाई दे रहा है वो खुशी, दिल बहुत खुश होगा आपका शायद जब आप खाना परोस रहे हैं, हाँ आपका हाँ वो जो ख्वाहिश है आपको खिलाने की वो पूरी हो रही है, तो बहुत खुशी होगी आपको। बेशक बेशक अल्लाह का बहुत बड़ा जी करम जी है ये मुझ पर के अल्लाह ताला ने मुझे इतना मौका दिया, इतना इतने टाइम से, नहीं बोले तो करीब 1 लाख आदमियों को मैं अभी तक अपने हाथ से खाना सर्व कर चुका हूँ इतने टाइम में, जी तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात बहुत है, बड़ी ऊपर वाले हाँ का अल्लाह का बहुत बड़ा करम है ये। जी जी तो आपको रेगुलरली ये प्रोग्राम चलाने के लिए फंडिंग कहाँ से आता है?
और मैंने बताया ना आप कितना परसेंटेज अपने खुद के सेविंग से भी निकालते हो, पूरा आप ही लगाते हो कि मॉनेटरी भी, आई मीन राइस वगैरह सौदे के लिए पैसे आ रहे हैं, पर ऐसा जी एग्जैक्टली ऐसा कोई माध्यम है जहाँ पे अगर कोई पैसा डोनेट करना चाहे, जैसे अभी जी आपके जो फ्रेंड्स हैं जो राइस भिजाते हैं, ऐसा कुछ वेबसाइट जी ऐसा कुछ है जहाँ पे अगर मैं चाहूँ या कोई और चाहे वो मनी ट्रांसफर कर सके, ऐसा कुछ है? मनी ट्रांसफर मेरा इंसानी वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से मैंने एनजीओ है मेरा, तो जी उसका बैंक अकाउंट होता है, जी उसका बैंक अकाउंट है, जी उसमें लोग डालना चाहे तो डाल सकते हैं। जी बट मैंने आज तक किसी से, ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाले की दया है मुझ पर, अल्लाह का करम है कि मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि भाई मेरे प्रोग्राम के लिए पैसे नहीं है तुम पैसे दो, या जी मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो नहीं बोला ना, जी इंशाल्लाह आगे कभी बोलूंगा। मैं हाँ ये मानता हूँ कि जिसको जिससे काम लेना होगा, जिस जी व्यक्ति से काम लेना होगा ऊपर वाले को, उसके जी दिल में डालेगा और वो मुझे ढूंढते आएगा। मैंने जरूर आज तक कोई जरूर फंडिंग की अपील नहीं की, जी, आपने कभी और नहीं मैं पूछा? नहीं पूछा और मैं पूछूंगा कभी आने वाले वक्तों जी में, नहीं पूछूंगा मैं जी इंशाल्लाह। तो आपके ये सामी वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से जो एनजीओ है अजहर जी, जी ये कोई वेबसाइट है जो हम अपने जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर जी वो कुछ वेबसाइट पे कुछ बैंक इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ है जो हम लोग बता सकते हैं अभी? नहीं मैडम, ऐसी वेबसाइट नहीं है, जी वेबसाइट नहीं है मेरी ऐसी कोई भी, सिर्फ एक जी एफबी पेज है और मेरा जी बैंक अकाउंट है। मैं जी इसीलिए ये सब वेबसाइट वगैरह इसीलिए मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी इस चीज पर, कि मैं उस तरीके की नहीं सोच रखता कि वेबसाइट जो भी करना है पब्लिक फंडिंग से करेंगे या जी ऐसे कुछ करेंगे। मैं जी कोई इसीलिए आज तक नहीं बनाया। जी कभी लोग अगर कोई मनी ट्रांसफर करते हैं तो मेरे नाम से भिजवाते हैं, हाँ सैयद उस्मान अजहर है मेरा नाम, उससे भिजवाते हैं, या तो कोई बैंक अकाउंट में डाल देता है, या तो किसी के कोई रिलेटिव्स रहते हैं हैदराबाद जी में तो वो उनके पास भिजवाते हैं, वो मुझ तक पहुंचा देते हैं, जी ऐसे है। जी ऐसा कोई वेबसाइट आपका नहीं। जी, जी तो हमारा शो में आप अगर एनआरए समय के शो में आप सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम करने वाले लोगों से हमने बात किया है, मैं आपको जरूर ये बताऊंगी कि आप एक वेबसाइट बनाइए, आप जैसे जी आपके फेसबुक पेज पे जो आप ये अच्छा काम आप जो शेयर कर रहे हैं, हमने आपका फेसबुक पेज देखा है जहां आपने ये सानी पिक्चर्स सानी के क्लिनिक के पिक्चर्स शेयर किए हैं और ये प्रोग्राम के पिक्चर्स शेयर किए हैं, तो हमें जैसे मालूम पड़ा, और आई एम श्योर डेफिनेटली श्योर कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ ना कुछ अपने हिसाब से आपको हेल्प करना चाहें, तो एक वेबसाइट या ऐसा कुछ माध्यम हो जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलना इजी हो आपको कांटेक्ट करने के लिए, जी तो आपके जो फ्यूचर के प्रोग्राम जो हैं, आपका ये ऑर्फनेज बनाना या ये ओल्ड एज बनाना, डेफिनेटली आपको हेल्प होगा, तो मेरा ये सोचना है, मुझे भी लग रहा है कि आप एक वेबसाइट कभी भी बना सकते हैं, कभी किसी से बनवा सकते हैं, या आपको ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगा और डेफिनेटली आपको बहुत सारे लोग आगे आएंगे आपकी ये अच्छा काम आगे बढ़ाने के लिए। तो अजहर जी आप बताइए, आप ये जो रोज के लोगों को देखते हैं जो आते हैं खाना खाने के लिए, आप जी आपको क्या लगता है कैसे तरह के लोग इस प्रोग्राम से, ये इस खाने के प्रोग्राम से बेनिफिट हो रहे हैं? क्या ये जी बिल्कुल बूढ़े या अपाहिज ऐसे लोग आते हैं, या ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने सोचा थी कि ठीक है यहाँ पे खाना मिल रहा है तो मैं ये टाइम पे यहाँ पहुंच 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 गया तो मेरा आज का खाना गुजर जाएगा, आप किस तरह के लोगों को देखते हैं वहाँ पे प्रोग्राम के पास? यहाँ पे प्रोग्राम में मैम हर हर तरह के लोग आते हैं। जी बस यहाँ पे एक लेबर अड्डा है, लेबर अड्डा मीन्स कॉन्ट्रैक्ट पे डेली वेजेस जी पे जो लोग काम करते हैं जी वो जी लोग थोड़ा सा पास में है,
वो लोग अगर मॉर्निंग 8 o'clock को आके वहाँ पे ठहरते हैं स्पॉट पे, अगर उनको काम नहीं मिलता है अच्छा तो वो 1 बजे यहाँ पे खाना खा लेते हैं। अच्छा, और दूसरी रही बात, वहाँ पे कई अपाहिज डिजेबल पर्सन आते हैं जी, और कई ऐसे भी आते हैं। कल ही एक बंदे से मैंने बात की है जी, कल ही एक बंदे से, उसका नाम शिव कुमार कुछ नाम है। वो बंदा मैम मैं ताजुब हो गया, वो बंदा, और वो बंदा शिव यहाँ पे एक उस शिवराम पल्ली है वहाँ पे वो रहता है। जी तो वो बंदे का स्टोरी सुन के मेरे आंख में पानी आ गया और हैरत हो गई कि क्या क्या दुनिया में ऐसे भी लोग हैं। जी रोज मुझे एक जब भी कोई आदमी दिखता है तो मेरा दिल बोलता है कि इससे मैं बात करूं, तो उससे बात जी करता हूं तो 100% उसका कुछ स्टोरी निकलता है। जी जी तो वो मेथडिस्ट स्कूल है एबेट्स पे, वहां का वो पढ़ा है। उसका फादर जो है सो रिटायर्ड डीसीपी है, तो जी वो फादर तो अच्छा डेथ हो गया उसका। वो आदमी, हाँ वो आदमी का जो है सो एक प्रॉपर्टी है 70 lakhs का। जी तो वो प्रॉपर्टी, वो जो है सो प्रॉपर्टी को उसकी बहन है एक, वो बहन एक जी भाई है। जी तो वो बहन को बोला कि भाई माँ तेरे पास है ना, मेरी माँ तेरे पास है, तू रख ली है माँ को, मेरा घर हाँ तू ले ले, हाँ 70 lakhs का घर है, हाँ तू मुझे सिर्फ 20 lakhs दे, 50 lakhs तू रख ले, माँ को मुझे दे दे। जी तो बहन उसको ये बोली कि तू पागल हो गया है क्या, 50 lakhs मुझे दे रहा है, माँ को ले रहा है, माँ को क्या पालेगा। जी उसको घर से निकल गए, उसको घर से निकाल दिए। तो वो एक अलग अपने घर में रहता है, माँ अलग रहती है, हालांकि वेल क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा लड़का है वो, जी मगर उसको हालात ने उसको मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया, वो आज जी उसका लाइफ बिल्कुल तबाह हो गया। वो स्टेशन जी पे सोता है, हालांकि जी अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है वो। जी जी तो ऐसे लोग आते हैं कोई मेंटली जो है सो बिल्कुल जिनको कोई होश नहीं होता, जी वैसे लोग आते हैं। यानी कि मैम जिसको भूख लगेगा रम्या जी, वो वहां बैठ जी के खाना खाएगा, जी और जरूर हम किसी को जरूर रोक रोक नहीं सकते और रोकेंगे जरूर भी नहीं। जरूर जब तक खाना है वहां पर तब तक खाना है। एक कवरे की स्टोरी है, जी एल्ला याबोल का नाम है वो, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, महबूब नगर में रहता है। तो वो आदमी डेली आ रहा था, तो मैंने पूछा कहाँ रहते हो, दिखने में अच्छा था। बोला जी साहब मैं घर से भाग के आया हूँ। अरे मैं जी बोला आपका इतना उम्र हो गया है चाचा, आप 70+ हो, अब हाँ घर से भागने की क्या जरूरत है। तो जी बोलने लगा कि मेरी मेरी वाइफ और मेरा बेटा ये कहता है कि मैं प्रॉपर्टीज पे साइन कर दूं पेपर्स पे, हाँ जब मैं हाँ नहीं किया तो दोनों ने मुझे मारा। वो अपना शर्ट उठाकर बताया, उसके पूरे बॉडी पे जो है सो पूरे निशान थे। बाप रे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग जी आते हैं जो जी किसी कुछ ना कुछ स्टोरी होता है। और जी वहां पर जी कोई शराब पीकर भी आता है, जी कोई शराब पीकर भी आता है, तो उसको वहां पे हम उठा तो नहीं सकते ना, क्योंकि जी ऊपर जरूर वाला ये नहीं कहा कि ये शराब पीता है इसको खाना नहीं देंगे। जी जी अल्लाह भूख ने तो ये भूख कहा है है हम सबको रिज़्क़ देंगे, हम सबको जी खाना देंगे, जी चाहे वो कोई भी रहने दो। जी बट तकरीबन लोग जो लोग कम थाली में आफ्ताब है ये सोचते हैं कि भाई ये शराबी है, ये वो पीता है, ये खराब आदमी है। हाँ भाई होगा खराब, उसकी काउंसलिंग करो, उसको अच्छा जी करने की कोशिश करो। आप जी जब उसको दूर कर दोगे अपने से तो हाँ वो कहाँ समझ में आएगा, उसको हाँ कहाँ, हाँ उसको ये लगना चाहिए कि मेरा भी कोई अपना है। आप जी जब उसके साथ वैसा नहीं ट्रीट करोगे तो वो तो जी जाहिर सी बात है और खराब होगा। जी जी तो जितना हो सकता है मेरे से कोशिश, मैं बराबर आदमियों को समझाता हूँ। और एक बात मैम रम्या जी, मैंने 12 बच्चों को, 12 जी बच्चों को जो स्ट्रीट पे फिरते थे उनको मैंने हॉस्टल को शिफ्ट किया है। वाह वो बच्चे आज हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, जी जो आप भीख वाह मांग लेते थे वो हाँ लोग वहां पर आज पढ़ रहे हैं। जब भी वो लोग को देखता हूँ, मैं जाता हूँ वहां पे, तो बड़ी खुशी होती है। जी जी एक होम है वहां पर बच्चे वो रह रहे हैं। तो जी जब भी कोई फैमिली अगर काम करना चाहती है तो जी उसको मैं FB पे डालता हूँ कि भाई ये पर्सन है, ये लोग को काम की तलाश है, तो इमीडिएट जी उनका काम हो जाता है। जी आज जी जितना भी मेरा वर्क आगे बढ़ रहा है, ये जी सब फेसबुक के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं हाँ वो लोग की दुआ, उन लोगों के साथ की वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ। जी सिर्फ जी वो लोग जरूर की दुआ की वजह। फेसबुक लोग बोलते हैं कि भाई तुम अपने टीवियों पे ऐड दो, पेपर्स में ऐड देते जाओ, ऐसे जी करो, नहीं चाहिए भाई, नहीं जी चाहिए, जी जी दुआ चाहिए। मैं एक फेसबुक पे भी मैं इसलिए डालता हूँ, वरना फेसबुक पे भी नहीं डालता था मैं।
जी, फेसबुक पे मेरा डालने का मकसद ये है, जो लोग मुझे कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनको पता चलना उनको चाहिए कि उनके पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको पता चले कि उनके पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। नहीं तो मैं फेसबुक पर भी नहीं डालता ये तस्वीरें, क्योंकि मैं ये अपनी आखिरत के लिए कर रहा हूँ, ऊपर वाला मुझे अच्छा रखे इसीलिए मैं कर रहा हूँ। बट मजबूरी है कि जो लोग मेरे प्रोग्राम के लिए पैसे देते हैं तो वो लोग के लिए तो बताना जरूरी है, क्योंकि देखे तो उनको और यकीन आएगा, काम हो सकेगा और आगे। और कई ऐसे लोग हैं जो आज मेरे वर्क को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जगह काम करना चालू कर दिए, सोशल वर्क स्टार्ट कर दिए, कई लोग हैं ऐसे। जी, आपसे प्रेरित होके वो लोगों ने भी ऐसा कुछ उनके स्टार्ट किए, या जो वो कर सकते हैं अतराफ में, अपने अतराफ में कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है जो हो रहा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे, जहाँ मैं रहता हूँ ओल्ड सिटी में, पुराने शहर में, इंशाल्लाह आने वाले एक दो साल में वहाँ पर अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वहाँ का हर बच्चा पढ़े। अभी मैं जो इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया हूँ वो इसलिए स्टार्ट किया हूँ क्योंकि हमारे एरिया में सलम बस्ती बहुत है। अब यहाँ पर एक काला डेरा है जहाँ पर पूरे गरीब लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर है, तालाब कट्टा है, भवानी नगर है, ऐसे ये सलाम एरिया में लोग, बच्चे स्कूल को कम जाते हैं, कारखाने को ज्यादा जाते हैं। जी, तो मैं अपनी जानिब से ये कोशिश कर रहा हूँ कि बस मैं तालीम से ये लोग को अपने पैरों पे खड़ा कर दूं, ये लोग को तालीम के लिए। कई लोग हैं ऐसे जो आगे बढ़ के हेल्प करना चाहते हैं, कई लोग हैं, तो बस कोई स्टार्ट लेने की जरूरत थी, मैंने स्टार्ट लिया, आप सबकी दुआओं से मैंने स्टार्ट लिया और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और आगे जाऊंगा। जी बिल्कुल, तो आप, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप बस ये एक खाने का प्रोग्राम नहीं, आप जितना हो सके, जो भी हो सके आप कर रहे हैं, और आपके फ्यूचर के प्लान सुन के तो बहुत बहुत खुशी हुई। मैं डेफिनेटली आपके मैं ये डेफिनेटली प्रे करूंगी कि आपके जो भी अरमान है, जिसको हेल्प करना है, जो भी ये ऑर्फनेजेस, ये ओल्ड एज होम, ये स्कूल वगैरह आपको चलाना है, जरूर आपको हेल्प मिले, एक सपोर्ट मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, और लोग भी मिले जो आपके आइडिया से सहमत हो और आपको आगे बढ़ाए। और आज बताइए, अब आपने कहा तो पहले जो दो महीनों में आपकी बीवी ने खाना बनाया और आपने आपने वो जाके सर्व किया, आज उनको कैसा लग रहा है, वो कैसे महसूस कर रहे हैं? बस जाहिर सी बात है, हस्बैंड को दुआ मिल रही है, इज्जत मिल रही है, एक बीवी के लिए उससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती। जी, मेरी माँ, मेरी वाइफ, जी बहुत, जब मेरी वाइफ अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock को उठती थी, जी बच्चों के टिफिन वगैरह, फिर उसके बाद घर के ब्रेकफास्ट मेरे लिए, फिर 10:30 को ये कुकिंग, फ्री फूड का कुकिंग, तो 1 o'clock तक वो कुकिंग। जी, तो वो दो महीने जो मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया है, उस वजह से मेरी हिम्मत बढ़ी है। जी, वो बहुत बड़ा, मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जरूर, वो दो महीने नहीं बना सकते मैडम, आज के दौर में कोई लड़की ऐसी नहीं होगी कि पब्लिक कौन है मालूम नहीं, वो कौन से मजहब का है मालूम नहीं, उनके लिए पकाओ और उनको खिलाओ, ऐसा तो शायद ही नहीं मिलेगा कुछ। जी जी, और आपका कुछ प्लान भी नहीं था, आपने ये सोचा भी नहीं कि कहाँ से पैसे आएंगे, पैसे अभी है कि नहीं, आज का आज आप देख रहे थे, तो ये बहुत आपने अच्छा कदम उठाया और चल रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैडम यही सोचता हूँ मैं कि बस आपका मन साफ हो, आपके दिल में कोई भेदभाव ना हो, जी आपका नजर अपने मंजिल पे हो, और ऊपर वाले का नाम लो, आप स्टार्ट करो, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी आपको, दुनिया, आप जब दिमाग से सोचना स्टार्ट करोगे तब आपको प्रॉब्लम्स होगे, ये मेरा मानना है। इंसान जब दिमाग से सोचता है तो कमर्शियल हो जाता है, दिमाग से सोचता है तो कम्युनल हो जाता है, दिमाग से सोचता है तो अपाहिज हो जाता है, मेरा मानना है, मेरी अपनी जाती सोच है ये, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरी पर्सनल सोच है। आप दिल से सोचो और दिल आपका जो बोलेगा वो हमेशा सही होगा, और क्योंकि दिल का कंसल्ट ऊपर वाले से होता है, और ऊपर वाला आपको गलत राह नहीं दिखा सकता, ये मेरा ये मानना है। जी,
जरूर जरूर, आप बहुत बहुत ही अच्छा बात किया आपने। आपके वाइफ को वेरी वेरी बिग थैंक यू, और हम एनआरए समय के टीम से ये यही प्रार्थना करेंगे कि आपका ये जो अच्छे काम है ये बड़े और बड़े और ज्यादा बड़े, और आपकी अमीन ये हेल्प पहुंच बहुत लोगों को जाए। और अजहर जी, अमीन थैंक यू सो मच, आपने अपना आपका टाइम निकाला। अभी आप खाना रेडी हो रहा है आज के लंच के लिए? हाँ, अभी चल रहा है, कुकिंग चल रहा है, अभी जी, अभी स्टार्ट हो गया कुकिंग, टेन आप अभी थर्टी जाएंगे फिर से खाना परोसने? हाँ, अभी अभी मैं 1 o'clock तक वहाँ पर अच्छा जाऊँगा, अच्छा जब कुकिंग हो जाता है, लोग बैठ जाते हैं, तब मैं वहाँ पर जी जाता हूँ, मुझे जी कॉल आता है, जी मैं, हमारे कुक हैं, वो कुक, हमारे जो कुक हैं सैयद नूर मोहम्मद, उनका भी जी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैम जी इसमें, क्योंकि जी वो बंदा बिल्कुल भी कई बार तबीयत उसका खराब भी था, फीवर भी रहा, तो वो आता था बनाकर जी चला जाता था। जी अच्छा, और एक एक बात मैंने आपको ये नहीं बताई थी इंटरव्यू के जी दौरान, कि जी यहाँ पर प्रोग्राम में मैंने भी 5 टाइम खाना बनाया है, जी मैंने खुद बनाया, जबकि मुझे चाय तक बनाना नहीं आती, घर में मैंने कभी कुछ काम नहीं किया, मगर 22 kg राइस मैंने खुद बनाया है, जी देख देख के इतना हैबिट हो गया, मैं खुद बनाया, और उस दिन मैं भी वहां पर खाया हूँ, तो जी लोग से जब मैं पूछा भाई कैसा बना, मैंने सबसे साफ बड़ा अच्छा बना बोले बोलने लगे और जब भी ईद होता है, जब भी कोई फेस्टिवल होता है, रमजान रमजान का ईद होता है या दिवाली होता है, तो मैं उन लोग के साथ ही जो है सो वहाँ पे ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में जो है मॉर्निंग में वहाँ पे हम प्रोग्राम कर देते हैं, उस दिन जी मॉर्निंग में ईद मना लेते हैं, या अच्छा बकरीद हो, या अच्छा रमजान हो, या हाँ दिवाली हो, या होली हो, हाँ कोई भी फंक्शन हो, कोई भी जी फेस्टिवल हो, हम जी वहाँ पर 11 o'clock को मना लेते हैं, मॉर्निंग आवर्स जी में हम वहाँ पे जी सेलिब्रेट कर लेते हैं, जी एवरी 15 अगस्त को झंडा वंदन होता है, हम जी वहाँ पर पूरे होमलेस पीपुल के साथ हम पूरे मिलकर वहाँ पे झंडा वंदन करते हैं, फ्लैग जी होस्टिंग, जी बड़ा अच्छा लगता है जब वो लोग मेरा गेस्ट में जो है सो, मैंने फर्स्ट टाइम जब 15 अगस्त को झंडा चढ़ाया था, तो मैंने एक होमलेस पीपल के हाथ से झंडा झंडा चढ़वाने लगाया था, वो अपाहिज है, जी उसके दोनों जी पैर नहीं है, जी तो असल असल तो वो है ना, जी तो जी हम जब भी चढ़ाते हैं झंडा तो जी नॉर्मल साधारण आदमी को देखते हैं, लास्ट टाइम हमने यहाँ पे हैदराबाद में ओल्ड सिटी में एक फेरोज खान बोल के शहीद जवान थे, आर्मी जवान, जहाँ पर कारगिल जी में मारे गए थे, जी पाकिस्तानी ने उन्हें अच्छा मार दिया था, अच्छा फेरोज खान शहीद, उनकी मदर ने लास्ट टाइम फ्लैग होस्टिंग की थी, जी वाह तो हम जब हर वहाँ पर हम हर तरीके की एक्टिविटी करते हैं जो देश जी के लिए अच्छा हो, जो हाँ हमारे हिंदुस्तान को आगे ले लेके जाए, जी हमारा मकसद और मेरा हमेशा ये कोशिश रही है, आपके एनआरआई समय के माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, जी मैं हमारे मकसद ये है कि हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत हमारी जान है, और ये हमेशा अमन से रहे, जी हमेशा ये खुशहाल रहे, सब एक साथ मिलकर रहे, जी ये मैं खुद दुआ करता हूँ, और जितने भी एनआरआई समय के सुनने वाले हैं उन सब से गुजारिश करता हूँ कि हिंदुस्तान में एकजहती रहे, हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत रहे, इसके लिए दुआ कीजिए, आप जब भी हज को जाएं या कहीं मंदिर को जाएं या चर्च को जी जाएं, प्लीज 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 फ्रेंड्स, एक बार आप भारत के लिए दुआ कीजिए, भारत की एकजहती के लिए दुआ कीजिए। जी जी जरूर, थैंक यू सो मच अजहर, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, आपने इतना अच्छा इंस्पिरेशनल स्टोरीज शेयर किया हमारे साथ। और जैसे मैंने कहा, हम आपके फेसबुक के पेज के लिंक वगैरह जो जो भी हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं हम अपने रेडियो ये शो में बताने की कोशिश करेंगे। और जब भी वीडियो भी होगा, हमारा nrsamay.com वेबसाइट है, तो इसमें आपका यूट्यूब वीडियो भी बनेगा, हम पूरा पिक्चर्स इंशाल्लाह वगैरह सब भी शेयर करेंगे, और आपका फेसबुक पेज भी शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच अजहर, आपने टाइम निकाला थैंक मुझे, यू थैंक यू सो थैंक मच। यू, मैं आपका और एनआरआई समय के पूरे मेंबर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच।
Friends, if you liked today's show, please go to youtube.com/NRI Samay and click on the subscribe button. You will get notified every time we publish a new show. And you can also like us on our social media sites like Facebook, Twitter, and Google+.